नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वर्बल जीके वीट ट्रिक का ये 19th पार्ट है और करंट जीके का ये 3rd पार्ट है। विशेष क्या है कि करंट जीके को लेकर वीडियो बनाई जा रही है और करंट जीके जनवरी फरवरी के आसपास की रहेगी और 2018 की। चलो बात खत्म, काम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। भारत के नव नियुक्त विदेश सचिव है। ऑप्शन देख लेते हैं, विजय केशव गोखले, एस जयशंकर, अजीत डाभोल, जितेंद्र सिंह। तो हमारा जो आंसर रहेगा विजय केशव गोखले रहेगा। तो एक बात और बता देते हैं कि विदेश सचिव का जो कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का होता है। और इनसे पहले कौन थे, वो थे इनसे पहले थे एस जयशंकर, मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनसे पहले क्या थे, विदेश सचिव। अब कौन है, विजय केशव गोखले। याद कैसे करें उस पर आते हैं, छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि नव नियुक्त विजय हो गया, मतलब जिसका भी नया चयन हुआ है वो विजय हो गया। नव नियुक्त विजय हो गया सच्ची बात है। विदेश से गाय या गो सब लाने से या विदेश से गो मांस लाने से, हम ऐसे करते लाने में, नव नियुक्त विजय हो गया सच्ची बात है विदेश से गो सब लाने में गोखले जी। अब देखो नव नियुक्त तो डिनोट करता है विजय, विजय को डिनोट करता है सच्ची, मतलब सच्ची में से सच्ची ले लेते हैं तो मतलब सच्ची ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, सच्ची बात है। विदेश मतलब विदेश को डिनोट करता है से गो मतलब गोखले में से यदि गो ले ले तो गोखले, या लास्ट में हम गोखले लगा कर भी इसको याद कर सकते हैं। और केशव में से सब ले लिया हमने, केशव में से सब मांस नहीं, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में मांस बोल दिया था, हम सब ही लगाएंगे गो सब लाने में, मतलब सब केशव में से सब ले लिया, विजय हो गया, विजय को लोन करता है, ऐसे करके हम कोडबद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख अध्यक्ष है। इसरो क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो हम देख लेते हैं प्रमुख अध्यक्ष कौन है, पहले हाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि के सीवन, ए एस किरण कुमार, पी कृष्णा राजन, सुधीर धाम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा के सीवन, लेकिन इनसे पहले कौन थे वो देख लेते हैं, ए एस किरण कुमार इनसे पहले थे। अब कौन है, अब है के सीवन। और ये जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा, वो 3 वर्ष का रहेगा। याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि वन नंबर की चीज इस सरो में क्या लगाऊं, वन नंबर की चीज इस सरो में क्या लगाऊं कि संगठन का प्रमुख अध्यक्ष बन जाऊं। मतलब क्या है कि वन नंबर की चीज, वन मतलब सीवन में से हमने वन ले लिया सीवन, तो नंबर की चीज क्या लगाऊं इस सरो में, मतलब इसरो को डिनोट करता है, क्या लगाऊं चीज संगठन के प्रमुख अध्यक्ष, मतलब प्रमुख अध्यक्ष को डिनोट करता है, हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देख लेते हैं, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। आंसर रहेगा 10 जनवरी। याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं कि विश्व हिंदी दिवस, तो मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस मतलब VHD, वी का, हाँ एक बात दिमाग में ले लेते हैं कि देखो मोस्टली क्या कहा जाता है कि इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंडिया में भी प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जिसको इंग्लिश आती है, मतलब विदेशों में भी इसको इग्नोर किया जाता है, देश में तो करते हैं विदेश में भी इग्नोर किया जाता है हम जानते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस मतलब क्या है कि वी की जो पोजीशन अल्फाबेट में आती है, अल्फाबेट में देखते हैं तो 22 होता है, एच की पोजीशन 8 होती है और डी की पोजीशन 4 होती है, तो हम एच और डी को जोड़ दें 8, 4, 12, हिंदी दिवस को हम जोड़ दें तो 12 बन जाता है, और विश्व में से हम इसको नेगलेक्ट में निकाल देते हैं क्योंकि विदेश में इतनी चलती नहीं है, तो हम 22 को माइनस कर देते हैं, मतलब 22 माइनस 12 मतलब क्या है 10, 10 तो यहाँ से आ गया, हम 10 ऐसे कर सकते हैं। और जनवरी को याद करना है तो हम हिंदी कौन यूज करता है, मोस्टली हिंदू जन ही करते हैं, मतलब जन मतलब जनवरी मतलब 10 जनवरी हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद करें कि मोताई नाई ग्रैंडमा नामक पुस्तक हाल ही में के दिनों में चर्चा में रही है, यह पुस्तक मूल रूप से लिखी गई है कौन सी भाषा में, ऑप्शन देख लेते हैं, जापानी भाषा में, चीनी भाषा में, मलयालम भाषा में या हिंदी में, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो जापानी भाषा में रहेगा। हाँ एक बात और देख लेते हैं कि इनके राइटर कौन है, राइटर है मारिको सिंजू,
और कौन सी भाषा में लिखी गई है, जापानी भाषा में। अब हम ये दोनों याद करने हैं, कैसे भी याद करें हम चलो कर लेते हैं, कि मोताई ग्रैंड मा को, मतलब मोताई, मोताई देखो मोताई नाई है ऊपर देखें तो मोताई सेंस देखे बोलने की, मोताई ग्रैंड मा को, मोताई ग्रैंड मा को जब शिंजू ने डंडे से उनको मारा या मारी। मोताई ग्रैंड मा को जब शिंजू ने मारी डंडे से उनको, मोताई ग्रैंड मा को जब शिंजू ने मारी डंडे से उनको, हम ऐसे कहते हैं और किसी को समझा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं या किसी को, देखो मोताई ग्रैंड मा को जब शिंजू ने मारी डंडे से उनको, जा, अब हम शांत करते हैं किसी को, जा पानी पी पी आ, जा पानी पिया और पढ़ ले, किसी को समझा रहे, बच्चे को समझा रहे, वो रो रहा है, अब उसको शांत कर रहे हैं कि जा पानी पिया और पढ़ ले, मतलब क्या है अब देखे, मोताई मोताई नाई मतलब मोताई ग्रैंड मा, मैं तो ग्रैंड मा को डिनोट करता है, शिंजू हमने कहाँ से ले लिया, अब ये देखते हैं कि जब शिंजू ने, तो हम मारिको शिंजू जो राइटर है उसमें से शिंजू ले लिया, जब शिंजू ने मारी मतलब मारी, मारी को डिनोट करता है, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, जापानी भाषा में, तो हमने कहा जापानी पिया मतलब जापानी, जापानी लैंग्वेज में ये लिखी गई है, हम ऐसे करके इसको कोड बताओ पढ़ ले, हमने लास्ट में इसलिए किया है क्योंकि ये राइटिंग से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है, तो हम ऐसे ये क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, दो चार बार सुनोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं, ओम प्रकाश रावत, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, सुमित्रा महाजन, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ओम प्रकाश रावत, और जिन्होंने पदभार कब संभाला है, 23 जनवरी को इन्होंने पदभार संभाला है। अब हम देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करें, इनसे पहले कौन था, वो था अंचल कुमार ज्योति, इनसे पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त, अब कौन है, ओम प्रकाश रावत अब चुनाव आयुक्त है। अब हम वो एक छोटी सी लाइन से याद कर लेते हैं कि चुनाव होने से पहले, हाँ चुनाव होने से पहले सबने ओम जाप किया, ये तो सिंपल लाइन है कि चुनाव होने से पहले सबने, सभी नेताओं ने, ऐसे कर लेते हैं यदि आपको दिक्कत ना हो, कि चुनाव होने से पहले सभी नेताओं ने ओम जाप किया तो प्रकाश नजर आया आयुक्त महोदय, हाँ ऐसे कहते हैं कि चुनाव होने से पहले सबने ओम जाप किया तो प्रकाश नजर आया आयुक्त महोदय, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि चुनाव मतलब चुनाव को डिनोट करता है, होने से पहले सबने ओम जाप मतलब ओम ओम को डिनोट करता है, का जाप किया तो प्रकाश मतलब प्रकाश प्रकाश को नजर आया आयुक्त महोदय, मतलब क्या है, चुनाव आयुक्त है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो याद कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आता है कि भारत के रेल मंत्री कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, अजय त्यागी, राजीव कुमार, तो जो सुरेश प्रभु तो पहले थे, अब कौन है, अब है पीयूष गोयल, हमारा आंसर क्या रहेगा, पीयूष गोयल। अब याद कैसे करें, इसमें आते हैं कि एक छोटी सी लाइन फिर बना लेते हैं कि रेल के नीचे गाय आ गई, रेल के नीचे कोई गाय का भक्त है, गो भक्त है, उसको कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि रेल के नीचे गाय आ गई इसलिए पीऊं हूं, रेल के नीचे गाय आ गई इसलिए पीऊं हूं, रेल के नीचे गाय आ गई इसलिए पीऊं हूं। अब देखिए कि रेल 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 को डिनोट करता है कि नीचे आ गई गाय, मतलब गाय का मतलब क्या है, गोयल में से यदि हम देखें ओ की मात्रा हटा दें तो गाय आता है, तो गाय मतलब गोयल, आई आ गई इसलिए पीऊं हूं मतलब पीयूष, पीऊं हूं मतलब पीयूष, हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऊपर आगे का जो क्वेश्चन है कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति करने वाला देश का प्रथम राज्य है, इनमें से कौन, ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो तेलंगाना है, एक और 1 जनवरी 2018 से ये शुरू हुआ है कि इनको बिजली मुफ्त मिल रही है किसानों को वहाँ, तो हम याद कैसे करें, वैसे देख लेते हैं कि तेल लगाकर गाना गाने लगे सभी किसान, तेल लगाकर सभी गाना गाने लगे सभी किसान क्योंकि बिजली जो फ्री में मिल रही है, तेल लगाकर गाना गाने लगे सभी किसान क्योंकि बिजली जो फ्री मिल रही है, तो अब देखे तेल लगाकर गाना मतलब तेल तेल को डिनोट करता है और गाना गाना मतलब तेलंगाना, हम ऐसे कर सकते हैं, गाने लगे सभी लोग सभी किसान मतलब किसान को डिनोट करता है, बिजली बिजली फ्री हो गई, हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आता है कि 2018 साहित्य
और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें से किसको? पी परमेश्वरम, गुलाम मुस्तफा, इलिया राज, वेद प्रकाश नंदा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा पी परमेश्वरम, क्योंकि साहित्य और शिक्षा में किसको मिला था? पी परमेश्वरम को मिला था। और जो कला के क्षेत्र में मिला था वो मिला था गुलाम मुस्तफा और इलिया राजा को, इन दोनों को मिला था। तो हमारा आंसर है क्या? पी परमेश्वरम। अब याद कैसे करें उस पर आते हैं। छोटी सी लाइन मान लेते हैं कि परमेश्वरम की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से वो साहित्य और शिक्षा में पास हो गया। परमेश्वर की कृपा से वो साहित्य और शिक्षा में पास हो गया, वही बड़ी बात है। किसी तरह पद्म विभूषण की जरूरत नहीं है, पद्म विभूषण की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर की कृपा से वो साहित्य और शिक्षा में पास हो गया, यही बड़ी बात है। हम ऐसे कर लेते हैं, यही वही या यही बड़ी बात है, किसी तरह के पद्म विभूषण की जरूरत नहीं। मतलब क्या? पद्म विभूषण को निर्णय करता है, शिक्षा और साहित्य, शिक्षा साहित्य को निर्णय करता है। परमेश्वर मतलब परमेश्वरम, परमेश्वर, यहाँ से कर सकते हैं, देखो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि व्यक्ति जिसने 6 बार अंतरिक्ष की यात्रा की, व्यक्ति जिसने 6 बार अंतरिक्ष की यात्रा की का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, जैक डी, जॉन यंग, सिरन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉन यंग। याद कैसे करें उस पर आते हैं कि 6 बार अंतरिक्ष में भी जाकर, 6 बार अंतरिक्ष में भी जाकर वह यंग रहा, ऐसे कह लेते हैं। 6 बार अंतरिक्ष में जाकर भी यंग था जॉन, ऐसे कह लेते हैं। 6 बार अंतरिक्ष में जाकर भी यंग था जॉन, मतलब यंग को डिनोट करता है, हम पीछे का जान लेते हैं तो हमें याद आ जाएगा, और जॉन जॉन को डिनोट करता है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पुस्तक टेम्परेरी पीपल के लेखक को द हिंदू साहित्य पुरस्कार 2017 से नवाजा गया है, वह कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, दीपक उन्नीकृष्ण, जोनाथन गिल, कमिनी महोदयवन, चंदन गोवडा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा दीपक उन्नीकृष्णन। और हमारा क्वेश्चन क्या था? टेम्परेरी पीपल के लेखक, टेम्परेरी पीपल के लेखक द हिंदू साहित्य पुरस्कार 2017 से नवाजा गया है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, वो टेम्परेरी पीपल पुस्तक का नाम क्या है, तो हम इसको याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं। और हमारा जो आंसर था वो था दीपक उन्नीकृष्णन। तो हम एक छोटी सी लाइन कर लेते हैं कि टेम्परेरी पीपल, टेम्परेरी जो होते हैं, टेम्परेरी पीपल दीपक की तरह होते हैं, टेम्परेरी पीपल किसकी तरह होते हैं? दीपक की तरह होते हैं, कभी भी बुझ जाते हैं। टेम्परेरी जो मंदिर होते हैं, पीपल होते हैं, टेम्परेरी पीपल दीपक की तरह होते हैं जो कि कभी भी बुझ जाते हैं, बस कृष्ण जी की कृपा से जीते हैं, बस कृष्ण जी की कृपा से जीते हैं। अब देखें कि टेम्परेरी पीपल टेम्परेरी पीपल को डिनोट करता है, और दीपक, दीपक हमने आंसरों से ले लिया, और कृष्ण हमने आंसरों में से ले लिया, हमें करके इनको याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके कुछ याद होने में मददगार रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आती रहे नई वीडियो की। और इस वीडियो में इतना ही, चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।